समंदर के किनारे एडवेंचर के लिए कौन कौन तैयार है? पेपा और उसकी फैमिली आज के दिन बाहर जा रहे हैं। अरे रे, मुझे लगता है कि मैं कार में पेट्रोल डालना भूल गई। कोई बात नहीं, चलो बीच पर ट्रेन से चलते हैं। पेपा और उसकी फैमिली समंदर के किनारे जाने के लिए ट्रेन ले रहे हैं। टिकट दिखाइए। हम समंदर के किनारे जा रहे हैं और मम्मी कार में पेट्रोल डलवाना भूल गई। कितना रोमांचक है, मुझे समंदर का किनारा पसंद है। मुझे लगता है कि लंच का समय हो गया है। पापा, चलो खाने के डिब्बे की ओर चलें। डैडी पिग और पापा ट्रेन में खाने वाले डिब्बे तक जा रहे हैं। ट्रेन काफी हिलडुल रही है। ये डिब्बा उन यात्रियों के लिए है जो सोना चाहते हैं। ये डिब्बा जरूर उन लोगों के लिए होगा जो ट्रेन में खेलना चाहते हैं। वाह, हाय डैनी, हाय जेरिन। ये शायद सिनेमा वाला डिब्बा होना चाहिए। माफ कीजिएगा। पेपा और डैडी पिग को खाने वाला डिब्बा मिल गया है। ये जरूर उन लोगों का डिब्बा है जो लंच करना चाहते हैं। क्या ये गड़गड़ाहट आपके पेट में हो रही है डैडी? मुझे अफसोस है कि ट्रेन खराब हो गई है। अरे रे, अब हमें बस लेनी होगी। अब पेपा की फैमिली समंदर के किनारे जाने के लिए बस पकड़ने का इंतजार कर रही है। सब चढ़ जाएं। अगला स्टॉप समंदर का किनारा। बस खराब हो गई है। मुझे लगता है फिर से कोई पेट्रोल डलवाना भूल गया। अब हम समंदर के किनारे कैसे जाएंगे? क्यों ना हम पैदल चलें? समंदर का किनारा बस पहाड़ी के नीचे ही है। ये समंदर के किनारे की सबसे अच्छी ट्रिप थी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम घर वापस कैसे जाएंगे। आज पेपा के प्ले ग्रुप में पैनकेक डे मनाया जा रहा है। ये एक आइसक्रीम है। क्या हम और तस्वीरों वाले पैनकेक बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हमें बस चाहिए थोड़ा और पैनकेक मिक्स। पेपा एक कटोरे में आटा डालती है। कैंडी कैट उसमें एक अंडा डालती है। डैनी डॉग दूध डालता है और सूजी शीप सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाती है। मैडम गजेल पैनकेक मिक्स में फूड कलरिंग डालती है ताकि वे रंग बिरंगी तस्वीरों वाली पैनकेक बना सके। पैनकेक को पकाने से पहले हम पैन में अपने पसंद की कोई भी पैनकेक तस्वीर बना सकते हैं। क्या तुम थोड़ा गुलाबी रंग डाल सकती हो सूजी? और थोड़ा यहाँ भी। वाव, ये क्या है? आप क्या बना रही है मैडम गजेल? जल्द पता चलेगा। अब पैन बहुत गर्म हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा पीछे हटना होगा बच्चों। पैनकेक बिल्कुल पेपा जैसा दिखता है। मैं हूँ पेपा पैनकेक। और मैं बहुत स्वादिष्ट हूँ। क्या हम अगली चीज रेनबो बना सकते हैं?
हाँ बेशक। पेपा और उसके दोस्त रेनबो के सारे रंग डालते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला। ओ? नहीं, मैंने रेनबो पैनकेक को खराब कर दिया। बिल्कुल नहीं, तुमने नीले रंग से प्यारा सा आसमान बना दिया है। चलो बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पैनकेक। अरे वाह! बेकिंग पाउडर देगा हमें एक फुला हुआ पैनकेक, बस थोड़ा सा चाहिए। मैडम गजेल ने कुछ ज्यादा ही बेकिंग पाउडर डाल दिया। पैनकेक बड़ा होते ही जा रहा है। मुझे नहीं लगता हम इसे खा सकते हैं बच्चों। पर ये तो शानदार ट्रैम्पोलिन बन गया है। पेपा को पैनकेक डे पसंद आता है। सभी को पैनकेक डे पसंद आता है। सभी को मेरा हेलो। मम्मी पिग पेपा को प्ले ग्रुप छोड़ने जा रही है, लेकिन मम्मी पिग बेबी अलेक्जेंडर की देखरेख भी कर रही है। अरे अरे, बुरा ना माने तो मैं जाने से पहले एक बार अलेक्जेंडर की बदबूदार नैपी साफ कर लूं। ओ, क्या हम उसे साफ करने में मदद करें? प्लीज। ठीक है, क्या तुम मुझे चेंजिंग बैग से नैपी क्रीम दे सकते हो और एक साफ सुथरी नैपी भी दे? सभी को बेबी अलेक्जेंडर की नैपी बदलने में मम्मी पिग की मदद करना अच्छा लगता है। देखो, एकदम तरोताजा। क्या हमारे साथ बेबी अलेक्जेंडर खेल सकता है? प्लीज। वैसे बिल्कुल क्यों नहीं। हाँ। पेपा बेबी अलेक्जेंडर को प्ले ग्रुप की अपनी सारी मनपसंद चीजें दिखा रही है। ये किताबें हैं। बेबी अलेक्जेंडर को सारी किताबें पसंद आती है। ये रही पूरी दुनिया। और उसे ग्लोब को गोल गोल घुमाने में मजा आता है। और ये है मैडम गजेल। हेलो छोटे अलेक्जेंडर। लेकिन उसे मैडम गजेल सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अब शायद थोड़ी सी पेंटिंग करनी चाहिए। सभी अपनी खुद की तस्वीर बना रहे हैं, जिसे सेल्फ पोर्ट्रेट कहा जाता है। मैं हूँ पेपा पेंट। नमस्ते। हेलो पेपा, मैं फ्रेडी हूँ। मैं सूजी हूँ। और मैं जरूर हूँ। शाबाश बेबी अलेक्जेंडर, ये तो जायकेदार सेब जैसा लग रहा है। बेबी अलेक्जेंडर की पेंटिंग को देखकर पेपा को याद आता है कि लंच टाइम हो गया है। बेबी अलेक्जेंडर का भी लंच टाइम हो गया है। वो बच्चों का खास खाना खा रहा है। ये आई ट्रेन अलेक्जेंडर। चुक चुक। मम्मी, क्या बेबी अलेक्जेंडर का खाना बढ़िया है? उसे अच्छा लगा। अरे अरे, निकलने से पहले क्या मैं अलेक्जेंडर को फिर से साफ कर लूं? बिल्कुल। ओह, मैं बैग ले लूं। बेबी अलेक्जेंडर का प्लेग्रुप में आना सभी को अच्छा लगता है, और बेबी अलेक्जेंडर को भी यहाँ आकर अच्छा लगा। पेपा और उसके दोस्त सिनेमा देखने जाते हैं। उन्होंने अभी अभी वेजिटेबल्स इन स्पेस 2 नाम की फिल्म देखी है। परेशान मत हो पेड्रो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। सभी ने फिल्म के इतने मजे लिए कि अब वो नाटक कर रहे हैं जैसे वो खुद इसमें हो। क्या तुम मेरे घर पर स्पेस में सब्जियां खेलना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। सभी खेल के लिए तैयार होने को लेकर काफी जोश में हैं। पेड्रो पोनी अंतरिक्ष यात्री बना है। सूजी शीप रोबोट बनी है। जेरल जिराफ एलियन बना है। और पेपा स्पेस हीरो बनी है। चलो बाहर चलते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम चांद पर हैं। अरे वाह!
मेरे पीछे आओ। प्यू प्यू। पेपा और उसके दोस्त फिल्म की तरह ही चांद पर होने की कल्पना कर रहे हैं। सभी को चांद पर तैरने का नाटक करने में बहुत मजा आता है। बढ़िया आइडिया जेरल, हम ड्राइव करने के लिए रॉकेट कार्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे रे, सभी के लिए रॉकेट कार्स तो नहीं है। क्या तुम मेरी कार में चलना चाहोगी सूजी? बस बस ओ। सूजी अपने जूतों को रॉकेट बूट्स जैसा दिखाने का नाटक कर रही है। अब सभी चांद को मजेदार तरीके से जान सकते हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं चांद पर? पीप, यहाँ चांद पर एक ही चीज है, चांद। पीप, चांद बना है चीज से। तो लंच के लिए थोड़ा चीज ढूंढ ले। हाँ बिल्कुल। वो क्या था? ये क्या था? चांद का दानव? नहीं पापा, मैं हूँ तुम्हारा डैडी, और मैं तुम सब के लिए लंच में चीज सैंडविचेस लाया हूँ। चांद पर खेलने की कल्पना करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन हर किसी को लंच टाइम और भी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर से एक सेब। सब्जियां खाकर मिलने वाली ताकत से मैं यहाँ हूँ। एक मिनट। अब मैं यहाँ हूँ। ये रहा मैं, अब तक का सबसे सुपर सुपर हीरो। और मैं यहाँ आप सबको ये सिखाने आया हूँ कि सुपर हीरो कैसे बना जाता है। अरे वाह! पेपा और उसका प्ले ग्रुप सुपर हीरोज के रूप में तैयार हो गए हैं। सुपर हीरो स्कूल की सबसे पहली सीख है कि अपनी सुपर हीरो शक्तियों का इस्तेमाल करके दुनिया के लिए कुछ बेहतर काम करना है। सूजी शीप दया दिखाते हुए एक कीड़े को छेद करने में मदद कर रही है। फ्रेडी फॉक्स दयालु बनकर पौधे को पानी दे रहा है। और पेपा के दिल में पूरी दुनिया के लिए दया होने के कारण वो निश्चित कर रही है कि सारा कचरा रिसाइकल हो और जमीन पे ना पड़ा हो। आप सब ने अपनी पहली सीख अच्छे से ली। अब सुपर हीरो स्कूल की अगली सीख है मुश्किलों को सुलझाने का कोर्स पूरा करना और मैडम गजेल को सुपर विलन से बचाना। तो शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन सब इतने थक गए हैं कि दौड़ नहीं पा रहे हैं। हम सबके सांसें फूल रही है। हम तेज क्यों नहीं दौड़ सकते और हम में ताकत क्यों नहीं है? क्या हम सुपर हीरो नहीं है? मैं समझ गया। क्या आज किसी ने कोई फल या सब्जियां खाई है? मेरा आज गाजर खाने का मन नहीं था। और मैंने अपना सेब अपने लंच बॉक्स में छोड़ दिया। वही तो, फल और सब्जियां हमें सेहतमंद रखती है और हमें देती है सुपर एनर्जी। सुपर हीरो में दौड़ने और कूदने के लिए काफी एनर्जी होनी चाहिए। मैडम गजेल ने मेज पर खाने के लिए प्लेट में स्वादिष्ट फल और सब्जियां रखी है। पेपा और उसके दोस्तों ने सारे फल और सब्जियां खा ली है। अब उनके पास काफी सुपर एनर्जी है और वो फिर से कोशिश करने के लिए तैयार है। हम आपको बचाने के लिए आ चुके हैं। मेरे हीरोस, मेरे सुपर हीरोस। बधाई हो, आप सभी आज बेहतरीन थे। और हर एक सुपर हीरो को हीरो बनने का इनाम मिलेगा। तो बताओ क्या लोगे? क्या कुछ गाजर बचे हैं?
फलों और सब्जियों से मिली ताकत से पेपा और उसका प्ले ग्रुप दिन भर काम कर पाया। पेपा और सूजी पुलिस ऑफिसर्स बनने का नाटक कर रहे हैं। पुलिस, हम आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया पुलिस ऑफिसर्स। आपका स्वागत है। अब हमें अपराधों को सुलझाने के लिए वापस आना होगा। अरे ये क्या है मैडम गजेल? मुझे लगता है मेरा खास पेन कहीं खो गया है। ये तो रहस्य जैसा लगता है। परेशान ना हो, मैं और पुलिस ऑफिसर सूजी इस केस को सुलझाएंगे। पेपा और सूजी खास पेन तलाशने के लिए सुराग ढूंढ रहे हैं। वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे छोटी छोटी चीजें बड़ी दिखती है। आहा, बैंगनी। वो बिल्कुल ऐसा ही रंग है जैसा डैनी डॉग की टी शर्ट है। क्या तुमने उस खास पेन को देखा है डैनी? लगता तो नहीं, मैंने देखा है। ठीक है, बेहतर होगा कि हम आपको पुलिस स्टेशन ले जाकर कुछ सवाल पूछें। पेपा और सूजी ने एक नकली पुलिस स्टेशन बनाया है ताकि वो सभी से लापता पेन के बारे में सवाल पूछ सके। ये किताबों और तकियों से बना है। इस पुलिस स्टेशन में तो दरवाजे भी नहीं हैं, लेकिन पढ़ने के लिए ये जगह बढ़िया है। पेपा और सूजी सभी से खास पेन के बारे में पूछ रहे हैं। वो कैंडी कैट को नकली पुलिस स्टेशन ले आए हैं। कैंडी कैट, क्या तुम याद करके बता सकती हो कि वो खास पेन किस रंग का है? लाल नहीं, हरा। दरअसल गुलाबी नहीं, नीला। आहा, तुम तो बड़ी मददगार हो। चलो चारों तरफ बारीकी से देखे। मैडम गजेल का खास नीला पेन यही कहीं होना चाहिए। पेपा और सूजी शीप खास पेन को हर जगह तलाश रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही है। मुझे तो वो यहाँ कहीं नहीं मिला। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैडम गजेल नकली पुलिस स्टेशन में सवालों का जवाब दे रही है। आपने अपने पेन को आखिरी बार कब देखा था मैडम गजेल? देखो, बात ऐसी है, आज सुबह मैंने पेन इस्तेमाल किया था, फिर मैंने उसे अपने कान के पीछे लगा लिया। अरे मैडम गजेल का खास पेन उन्हीं के कान के पीछे रखा हुआ था। हमने इसे ढूंढ लिया, हमने राज सुलझा लिया। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया पेपा और सूजी। मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर बनोगे। आज सभी पेपा के बगीचे में खेल रहे हैं। एमिली एलिफेंट एक बड़े से कीचड़ वाले गड्ढे में फिसल कर गिर जाती है। मॉन्स्टर! नहीं, मॉन्स्टर्स असली नहीं होते। ये एक कांटेदार चूहा। कांटेदार चूहा भी कीचड़ में फिसल कर गिर गया। चिंता मत करो, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। कांटेदार चूहा कांटेदार बॉल की तरह हो गया है, पर एडमिन जानता है क्या करना है। हमें किसी बड़े की मदद लेनी होगी, क्योंकि कांटेदार चूहा डर के कटीला हो गया है, तो हमें सावधान रहना होगा। मम्मी पिग, डैडी पिग। मम्मी पिग सबको कीचड़ भरे गड्ढे से निकलने में मदद करने आ गई है, और डैडी पिग कांटेदार चूहे की मदद कर रहे हैं। उनके मोटे दस्ताने उन्हें कांटेदार चूहे की नुकीली पीठ से बचा रहे हैं। आप कांटेदार चूहे को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ मोटा सा कंबल है, तो बढ़िया और आरामदायक रहेगा। कंबल, बहुत बढ़िया। अब सावधान रहना, शायद कांटेदार चूहा थोड़ा सा कांटेदार हो। अरे वाह, मैं तुम्हें बुलाऊंगी कटीले। कटीले। डॉक्टर हैमस्टर ये चेक करने आए हैं कि कटीला सुरक्षित और स्वस्थ है। मुझे मदद के लिए बुलाने का फैसला सही था। कटीला घूमकर फिर से बॉल जैसा बन गया। कटीला ऐसा क्यों करता है डॉक्टर हैमस्टर? कांटेदार चूहे डर के मारे बॉल बन जाते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। ओ, तो कटीला डरा हुआ है?
यहाँ काफी शोर है ना? अगर हम चुप रहें तो एक टुकड़ा सेब का कटीले को शांत करने में हमारी मदद कर पाए। पेपा और एमिली एलिफेंट जरूरत से कुछ ज्यादा ही सेब ले आए। हुरे! बस खाना और आराम, और फिर हम कटीले को गार्डन में छोड़ सकते हैं जब सूरज डूबने लगेगा। हम अभी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कांटेदार चूहों को अंधेरा अच्छा लगता है, जिसका मतलब है उन्हें रात में घूमना और दिन में सोना पसंद है। मुझे सब पता है, मैं कितना स्मार्ट हूँ। अरे माफ करना कटीले। सूरज डूब रहा है, इसका मतलब है कि कटीले के घर वापस जाने का वक्त हो गया है। कांटेदार चूहे कहाँ रहते हैं डॉक्टर हैमस्टर? कहाँ? कांटेदार झाड़ी में। बाय कटीले, हमें जल्दी मिलने आना फिर से। सभी को कटीले के साथ समय बिताकर और उसे सुरक्षित घर जाते देखकर अच्छा लगा। पेपा और एमिली एलिफेंट आज बीच पर खूब मजे कर रहे हैं, उन्हें पानी बहुत पसंद है। देखो एमिली, मैं एक मछली हूँ। छप छप छप। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पानी में कितनी सारी मछलियाँ हैं पेपा? तुमने ये कैसे किया एमिली? क्या तुमने अपनी सांस रोकी थी? नहीं, मैं अपनी सूंड का इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी है। क्या चल रहा है पेपा? काश मेरे पास भी एमिली जैसी सूंड होती, ताकि मैं भी पानी के अंदर सांस लेते हुए मछलियाँ देख पाऊँ। मुझे पता है, मेरे साथ आओ पेपा। टरा! ये लंबी सी ट्यूब तुम्हारे मुंह में जाएगी और इससे तुम पानी के अंदर सांस ले सकोगी, एमिली की सूंड की तरह। बिल्कुल एमिली की सूंड की तरह। तुम्हारी आवाज मजाकिया क्यों लग रही है पेपा? ये मेरी सांस लेने की नली है, इसका मतलब कि मैं तुम्हारी तरह पानी में सांस ले सकती हूँ। देखो। नहीं पापा। ओ पापा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सांस लेने की नली ठीक से काम नहीं कर रही और पानी का स्वाद काफी अजीब था। पानी खारा होने की वजह से ऐसा है पापा। तुम्हें सांस नली को अपने होठों से कसकर बंद करना होगा ताकि तुम्हारी मुंह के अंदर पानी ना जाए और तुम सांस ले सको। तुम्हें लंबी लंबी सांसें लेनी होंगी इस तरह। पेपा लंबी लंबी गहरी सांसें लेने की कोशिश करती है। फिर से कोशिश करोगी? ठीक है। सारी रंग बिरंगी मछलियाँ देखी। हाँ बहुत बढ़िया, और मदद करने के लिए शुक्रिया एमिली। और पानी के खारे स्वाद से छुटकारा पाने के लिए जोर जोर मुझे लगा कि तुम्हें ये देना चाहिए। आइसक्रीम। आज पेपा और उसका परिवार सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। गुड बाय सुपरमार्केट। क्या वो रोबोट है? नहीं पेपा, ये एक वेंडिंग मशीन है। हमें खाने पीने की चीजें लेने के लिए इसके अंदर पैसे डालने पड़ते हैं। क्या हम रोबोट से कुछ खरीद सकते हैं प्लीज? ठीक है, हम सब चुन सकते हैं एक एक खास ट्रीट। पेपा रोबोट वाली वेंडिंग मशीन से कुछ खरीदने के लिए काफी उत्साहित है। ये लो पेपा।
बाइसिकल। अब उस चीज का बटन दबाओ जो तुम्हें पसंद हो। मैं पसंद करूंगी संतरे का जूस। ये रहा। अरे वाह, स्वादिष्ट। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर की बनावट वाला बिस्किट मिला है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। अब तुम वो बटन दबाओ जिस पर है डायनासोर। डायनासोर। मुझे लगता है मैं लूंगा वो वाली ड्रिंक। अरे ये तो फंस गया। डैडी पिक का ड्रिंक सैंडविच के पीछे फंस गया। सैंडविच बीच में आ गया। नटखट सैंडविच। हमें अब सैंडविच भी खरीदना होगा ताकि ड्रिंक भी इसके साथ नीचे गिर जाए। ये फिर से फंस गया। शरारती अनानास। चलो वो भी खरीद लेते हैं। देखो फिर से फंस गया। फिर से। आखिरकार ऊपर से गिरता हुआ ड्रिंक नीचे आ ही गया। अब मैं इसे आखिरकार पी सकता हूँ। ओहो, मेरा ड्रिंक तो एकदम फिजी हो गया। बेचारे डैडी। आप वेंडिंग मशीन से कुछ और क्यों नहीं चुनते? बढ़िया आइडिया है। ओह, वेंडिंग मशीन तो खाली हो गया है। इसलिए क्योंकि हमने सारी चीजें खरीद ली है। आज पेपा और उसका प्ले ग्रुप बग म्यूजियम की सैर पर जा रहे हैं। सब मेरे पीछे आओ। स्क्वीक, बड़े बग्स। इस कमरे में सिर्फ चींटियां ही हैं। यहाँ तक कि यहाँ देखने के लिए रोबोटिक चींटियां भी है। चिंता मत करो, ये असली चींटी नहीं है, ये है बड़ा रोबोट। मुझे रोबोट पसंद है। चींटियां टीम की तरह काम करके अपनी रानी के लिए खाना लाती हैं। क्या तुम चींटियां बनना चाहोगे? क्या मैं रानी बन सकती हूँ? पेपा के दोस्त चींटियों के साथ दौड़ लगा रहे हैं। उन्हें फोम वाला पत्ता रानी पेपा तक लाना है। बहुत बढ़िया बच्चों, तुमने टीम में बिल्कुल चींटियों जैसा काम किया। इस कमरे में सिर्फ मधुमक्खियां ही है और पहनने के लिए मधुमक्खी के कपड़े भी है। बिल्कुल मधुमक्खी लग रहे हो। क्या तुम मधुमक्खी के छत्ते में अपना रास्ता ढूंढ सकते हो? ठीक है, चलो। सभी को मधुमक्खी बनना पसंद आ रहा है, लेकिन मधुमक्खियों का छत्ता काफी उलझन भरा है। वो खो गए हैं। मधुमक्खी अपना रास्ता तलाशती हैं सूरज को देखकर। हम लोग भी सूरज का पीछा कर सकते हैं। सभी असली मधुमक्खियों की तरह अपना रास्ता तलाशने के लिए सूरज का पीछा करते हैं। भी बढ़िया काम कर रहे हो। आखिरी कमरे के अंदर कुछ बहुत ही खास है। स्क्वीक, ये कितना सुंदर है। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये क्या है। अंदर कुछ काफी रंग बिरंगा है। क्या ये तोता है? इसके बड़े पंख हैं। या एक ड्रैगन? और ये हुआ करता था एक कैटरपिलर। हाँ?
ये है तितली। पेपा और उसके दोस्तों को बड़े से बग म्यूजियम में बग्स के बारे में सीखना पसंद आता है। वो कार वाकई कितनी तेजी से गई है। चिंता मत करो, इसी वजह से जरूरी है रुकना, इधर उधर देखना, सुनना और सड़क पार करने से पहले हमेशा ग्रीन मैन का इंतजार करना। द ग्रीन मैन। बच्चों आपको याद है ना कि हमने क्या सीखा था? रुको, इधर उधर देखो और सुनो। सब ठीक है, कोई कार नहीं है। चलो चलते हैं, अब पार करना सुरक्षित है। हेलो डैडी। हेलो पेपा, पेपा का प्ले ग्रुप। हेलो डैडी पिग। ओह हरी बत्ती, चलो मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया पुलिस ऑफिसर पांडा। दिन भर का यही काम है। पेपा पुलिस ऑफिसर पांडा की मदद कर रही है ताकि सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। तुम्हें सड़क पर अपने ही साइड पर रहना होगा। सॉरी पेपा, मेरा पहिया फंस गया है। हम तुम्हारी मदद करते हैं। वी यू, वी यू, वी यू। हम सड़क को कार और लोगों के लिए सुरक्षित बनाते हैं। पेट्रो ने ध्यान नहीं दिया कि ग्रीन मैन रेड हो गया है। ओह पेड्रो, रेड मैन का मतलब है रुको, चलो मत। शुक्रिया पेपा। दिन भर का यही काम है। अरे वो देखो, फ्रेडी ने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं। हमें लुटेरे को पकड़ना होगा। लाल बत्ती का मतलब है रुको। ये रहा, यहाँ। हमने अब उसे पकड़ लिया है। फ्रेडी, क्या तुम लुटेरे हो जो तुमने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं? नहीं, मुझे धारीदार कपड़े पसंद है। ओह, तो तुम लुटेरे नहीं हो? नहीं। ओह, ठीक है, फिर तुम जा सकते हो, लेकिन तेज रफ्तार से नहीं। ठीक है, अलविदा पेपा। बहुत बढ़िया ऑफिसर पेपा, अब सबको याद हो गया है रुकना, देखना और सुनना और तभी जाना जब वो देखते हैं। ग्रीन मैन। इसका मतलब हम जा सकते हैं। दिन भर का यही काम है ऑफिसर पांडा। पेपा को सभी की सुरक्षा करना और सभी को सुरक्षित महसूस करना अच्छा लगता है। आज पेपा और उसकी फैमिली म्यूजियम में है। देखो जॉर्ज, इस डायनासोर की एक बहन, एक मम्मी और एक डैडी है। ये तो डायनासोर की पूरी फैमिली है। पेपा को म्यूजियम पसंद आया, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। आने के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे। लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। हमें जाने की जरूरत नहीं है पेपा, आज रात हम सब यहीं सोएंगे यहाँ म्यूजियम में। आज की रात हमें पहली चीज क्या करनी चाहिए? चलो आधी रात की दावत करते हैं। यम यम, सब लोग शुरू हो जाओ। ये संतरा तो काफी सख्त है। आधी रात की दावत का सारा खाना तो प्लास्टिक से बना है। अब अगली चीज क्या करे पेपा? पेपा? मम्मी पिग को पेपा कहीं दिख नहीं रही है। मैं यहाँ हूँ, मैं एक लुटेरा हूँ। मैं एक लुटेरा हूँ। लुटेरा। और मैं एक लुटेरा हूँ। मेरा मतलब है एक ऊनी बालों वाला बड़ा जीव। सभी को ऊनी बालों वाले बड़े जीव से दूर भागकर मजा आ रहा है।
लेकिन अब इस भाग दौड़ की वजह से सब थक चुके हैं। मुझे लगता है हमें अभी सोना चाहिए। चलो सोने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढते हैं। सभी को गुड नाइट। अब सुबह हो चुकी है और खूब सारे लोग म्यूजियम में आ चुके हैं। जरा इन लुटेरों को तो देखिए ग्रैंडडैड। कितना शानदार जीव है। ऐसा लगता है जैसे इनमें सच में जान है। सभी को लगता है कि पेपा और उसकी फैमिली म्यूजियम का हिस्सा है। क्या हो रहा है? ये कोई लुटेरा नहीं, ये तो पेपा है। अरे रे, ऐसा लगता है कि हम म्यूजियम में सिर्फ सोए नहीं, जरूरत से ज्यादा ही सो गए। बेबी अलेक्जेंडर और उसकी फैमिली हैप्पी क्रिसमस बोलने आई है, लेकिन बेबी अलेक्जेंडर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेबी अलेक्जेंडर क्यों रो रहा है? क्रिसमस मजेदार होता है। वैसे बेबी अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस है, उसे नहीं पता ये कितना मजेदार हो सकता है। तब तो ये और भी स्पेशल होना चाहिए। मैं उसे अपनी सारी पसंदीदा क्रिसमस की चीजें दिखाऊंगी। मुझे क्रिसमस डिनर काफी पसंद है। इसमें गाजर, आलू, स्प्राउट्स। नहीं, तुम्हें इसे खाना है, इसे फेंकना नहीं है। चलो कुछ और आजमाएं। टॉफी रैप करना वाकई मजेदार है। आप बुक को ऊपर लगा सकते हैं। नहीं, हमें उन्हें रैप करना होगा ताकि बाकी लोग उन्हें खोल सके। बेबी अलेक्जेंडर को लगता है कि तोहफे रैप करने की बजाय उन्हें खोलने में ज्यादा मजा आता है। मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर को क्रिसमस बिल्कुल ही पसंद नहीं। अच्छा, उसे तो तुम्हारे साथ मजा आ रहा है। लेकिन मैं चाहती थी कि ये उसके लिए थोड़ा और खास हो। अपने चचेरे भाई के साथ क्रिसमस बिताना काफी खास है पेपा। पर वो सब गलत कर रहा है। अलेक्जेंडर अभी बस एक बच्चा है, शायद तुम्हें उसे कुछ आसान सी चीजें करने के लिए देनी चाहिए। क्रिसमस बच्चों के लिए? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। बेबी अलेक्जेंडर को क्रिसमस के तोहफे पास करने में मजा आ रहा है। थैंक यू अलेक्जेंडर, ये तोहफा मम्मी के लिए। और उसे क्रिसमस क्राफ्ट वाकई पसंद है। बहुत अच्छा किया अलेक्जेंडर। और म्यूजिक भी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा पेपा के साथ क्रिसमस मनाना पसंद है। अब हमें अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस हमेशा याद रहेगा। ये तैयार होने का समय हो गया है पेपा। हेलो सांता, आप फिर से आ गए। आज पेपा का क्रिसमस की छुट्टियों के बाद प्ले ग्रुप में पहला दिन है। नहीं मम्मी, ये तो मैं हूँ। लेकिन पेपा नहीं चाहती कि क्रिसमस अभी खत्म हो। ओ पेपा, ये कपड़े तो काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्ले ग्रुप के लिए सही नहीं है। लेकिन मुझे सांता की तरह कपड़े पहनना पसंद है। मैं नहीं चाहती क्रिसमस खत्म हो, कितना मजेदार होता है। मुझे पता है, लेकिन प्ले ग्रुप भी खूब मजेदार हो सकता है। तुम जाओ और अपने बैकपैक में चीजें रखो। नहीं।
गुड मॉर्निंग पेपा, तुम्हारा ये बैग तो काफी भरा हुआ है और काफी भारी भी। अरे तुमने इसमें क्या रखा है? बस प्ले ग्रुप में चमक लाने के लिए कुछ चमकती हुई चीजें। अच्छा, सांता की तरफ से एक खिलौना। अरे वाह, कुछ कैंडी केन्स। स्वादिष्ट। ओह, और कुछ ब्रसल स्प्राउट्स। शायद तुम्हें प्ले ग्रुप के लिए थोड़ी और काम की चीजें लानी चाहिए। जैसे क्या? शायद रंग भरने के लिए कुछ क्रेयॉन, कुछ स्वादिष्ट फल और पढ़ने के लिए किताब। ओह, सांता मेरे लिए वो किताब लाए थे। वो बढ़िया आइडिया है। जाने का समय हो गया पेपा। ओह, क्या हम स्लेट से प्ले ग्रुप जा सकते हैं? मुझे तेज जाना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता पेपा, बर्फ तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि स्नोमैन भी लगभग जा चुका है। मुझे लगता है कि आज हमें कार से जाना होगा पेपा। ठीक है। मैं जानता हूँ कि तुम क्रिसमस के खत्म होने से दुखी हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि प्ले ग्रुप भी उतना ही मजेदार हो सकता है। आज सुबह प्ले ग्रुप के सभी लोग पेपा को देखकर काफी खुश होते हैं। वेलकम बैक पेपा, क्या तुम्हारी क्रिसमस की छुट्टी मजेदार रही? हाय पेपा, क्या तुम मेरे साथ ड्रेस अप खेलना चाहोगी? अरे हाँ, मुझे ड्रेस अप करना पसंद है। या हम किताब पढ़ सकते हैं। सांता ने मुझे एक नई किताब दी है। चलो अपने स्कूटर पर एक दूसरे से रेस लगाते हैं। अरे हाँ जरूर। प्ले ग्रुप भी क्रिसमस की तरह ही मजेदार है। पेपा को क्रिसमस वाकई पसंद है, लेकिन पेपा को वापस प्ले ग्रुप जाना भी अच्छा लगता है। सभी को प्ले ग्रुप जाना अच्छा लगता है। पेपा और सूजी शीप ने आज कपड़े उल्टे पहनने का फैसला किया है। गुड बाय सूजी। गुड बाय पेपा। पेपा, सूजी, तुमने अपने कपड़े उल्टे क्यों पहन रखे हैं? और तुम दोनों पीछे की तरफ क्यों चल रहे हो? क्योंकि आज है बैकवर्ड्स डे। आज आप सब उल्टा बोलते और करते हैं। मैं नहीं, हम नहीं करते। वाह, मजे करो। बिल्कुल नहीं। पेपा और सूजी शीप बगीचे में पीछे की तरफ से एक दूसरे को दौड़ा रहे हैं। सूजी, मुझे पकड़ने की कोशिश करो। पीछे की तरफ वाले खेल खेलना बहुत मुश्किल है। तुम कहाँ गए सूजी? आ रही हूँ। मुझे पता है, चलो पार्क में बैकवर्ड गेम खेलते हैं। मिस्टर बुल पेपा और सूजी शीप को पीछे की तरफ उछलते देखकर काफी उलझन में पड़ गए। गुड मॉर्निंग, हम पीछे क्यों जा रहे हैं? आज बैकवर्ड डे है, हमें सब कुछ करना है बैकवर्ड। क्या बैकवर्ड डे आ चुका है? मैं भी अपनी बैकवर्ड ड्रिल्स तैयार करता हूँ। अरे ओ, माफ करना। पेपा और सूजी शीप पार्क में खेलकर अपना बैकवर्ड डे बिताती है। पीछे से झूलना वैसे ही लगता है जैसे आगे से झूलना, लेकिन सारे खेल पीछे से खेलने में मजेदार नहीं होते। ये पीछे से है। नहीं, ये पीछे से है। चलो फ्रिस्बी को पीछे से खेलते हैं। पकड़ो। किस किस को चाहिए आइसक्रीम? ये। ओ, मेरा मतलब नहीं। तुम लोग मजेदार बैकवर्ड स्टे बना रहे हो। मैं अपनी आइसक्रीम खाऊंगी पीछे से।
ऊपर से नीचे की तरफ होना पीछे होने जैसा नहीं है। ये सब काफी उलझन वाला है। मुझे लगता है बैकवर्ड डे अब शायद खत्म हो गया है। पेपा और सूजी शीप ने बैकवर्ड डे के मजे लिए, लेकिन वो बहुत खुश है कि चीजें अब बैकवर्ड्स नहीं रही। आज प्ले ग्रुप के लिए मैडम गजल एक खास सरप्राइज लाई है। हाय रे। क्या फिर से हैलोवीन है? मैं एक जादूगर बनने जा रहा हूँ। मैं बनने जा रही हूँ एक पेड़, स्क्वीक, और मैं बनूंगी जादूगर का जादुई पेड़। नहीं बच्चों, कद्दू सिर्फ हैलोवीन का जश्न मनाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता, वो अमेरिका की एक खास छुट्टी मनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो है थैंक्सगिविंग। हाँ? क्या मैं अभी भी थैंक्सगिविंग के लिए जादूगर का जादुई पेड़ बन सकती हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल। थैंक्सगिविंग पर लोग और भी चीजें करते हैं, जैसे बकरी के सींग जैसा सजावटी डिब्बा बनाना। सजावटी डिब्बा? कितना अजीब सा लगता है। सजावटी डिब्बा, ये सींग के आकार की टोकरी होती है जिसमें पतझड़ के मौसम में उगने वाले फल और सब्जियां रखी जाती हैं। हम खुद की एक टोकरी तैयार करते हैं। शुक्रिया। मैं ताजे फल और सब्जियों के लिए वाकई शुक्रगुजार हूँ। एक कहानी में तो यहाँ तक कहा गया है कि सजावटी डिब्बा जादू से अपने आप को भर सकता है। ऐसा है क्या? वो खुद ब खुद भर जाता है? अफसोस ऐसा नहीं है। प्ले ग्रुप के सारे बच्चे उन चीजों से अपना थैंक्सगिविंग सजावटी डिब्बा बना रहे हैं जिनके लिए वो शुक्रगुजार है। मैं बलूत के फल और कद्दू के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं इसमें रखूंगी ये चॉकलेट बार अपने लंच बॉक्स से। मुझे चॉकलेट बार पसंद है। ओ, शायद बस एक बाइट। ओ, वैसे सबसे बढ़िया चीज रैपर ही है। लगभग हो ही गया था। आप सब ने एक सुंदर सजावटी डिब्बा बनाया है। अब घर का समय है और पेपा मम्मी पिग और डैडी पिग को दिखा रही है कि आज उसने क्या सीखा। ये एक सजावटी डिब्बा है, ये थैंक्सगिविंग का भाग है और ये हमें मिलने वाले सारे लजीज खाने के लिए शुक्रगुजार होने की याद दिलाता है। वाकई प्यारा है। लेकिन इस सजावटी डिब्बे को देखकर मेरे पेट को याद आया कि उसे कितनी भूख लगी है। चलिए ना, बस पटाखे अभी चलने ही जा रहे हैं। बॉनफायर की रात है और पेपा काफी जोश में है। उसे बॉनफायर बेहद सुंदर लगते हैं। हाय पेपा, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। पटाखे चलना शुरू होंगे। 5, 4, 3, 2, 1। ये पटाखे तो काफी ऊपर जा रहे हैं। पेपा को लगता है पटाखों से काफी शोर होता है। पटाखे वाकई बहुत आवाज करते हैं दादाजी। ओ बच्चे, क्यों ना हम कुछ और पीछे जाएं? उनसे दूर जाने पर ज्यादा शांति मिलेगी। हम पीछे जा रहे हैं जहाँ पटाखों की आवाज इतनी जोर से ना आए। अच्छा विचार है, हम भी आएंगे साथ में। निकलने दीजिए प्लीज। हम फिर से आ गए, सॉरी। क्या अब ठीक है पेपा? हाँ, शुक्रिया डैनी। बढ़िया, अब हम सब पटाखों के नजारों का मजा ले सकते हैं। इनमें कितने सारे रंग हैं?
लाल और नीले और हरे और पीले। पेपा को पटाखों को देखकर बहुत मजा आ रहा है और अब समय आ गया है जबरदस्त पटाखों का। सभी अपना दिल थाम लें। जबरदस्त मतलब और जोरदार आवाज वाले। अरे बाप रे, अब हम क्या करें? हम अब और पीछे नहीं जा सकते। हमें घर भी तो जाना है ना? लेकिन मुझे पटाखे देखने हैं। मुझे उनकी आवाज बिल्कुल नहीं सुननी। ओहो, मुझे पता है। कभी कभी ना मेरे दादाजी भी वाकई काफी जोर से बोलते हैं, तो मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। हेडफोन्स? हाँ, ये आपके कानों को ढक देते हैं और तेज आवाज धीमी लगने लगती है। क्या तुम्हें ये आजमाना है? वाओ, ये तो काफी बेहतर है। शुक्रिया डैनी। चिल्लाने की जरूरत नहीं है पापा। हमें पटाखों की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। मिल गया। ये तो बड़ा सा है। दादी पिग पेपा और जॉर्ज से लंच के लिए कुछ फल और सब्जियां ढूंढने के लिए कहती हैं। लिस्ट में पहली चीज है वो फल जिसका रंग हो सकता है लाल या हरा। तुम्हें क्या लगता है ये क्या हो सकता है? जॉर्ज, हमारे पास खाने का समय नहीं है। हमें लंच के लिए फल ढूंढने होंगे। ओह सेब, वो लाल या हरे हो सकते हैं। अगली चीज हमें ढूंढनी होगी एक लंबी सब्जी जो नारंगी रंग की हो और हो कुरकुरी। मुझे पता है, रिबेका रैबिट हमेशा प्ले ग्रुप में गाजर लाती है। वो लंबे नारंगी और कुरकुरे होते हैं। दादाजी, गाजर के पेड़ कहाँ है? सारी सब्जियाँ पेड़ों पर नहीं उगती, कुछ सब्जियाँ जमीन के अंदर भी उगती है। मैं मदद करती हूँ जॉर्ज। लिस्ट में अगली चीज है वो सब्जी जो दिखती है छोटे पेड़ों जैसी। दादाजी, मुझे सिर्फ बड़े पेड़ दिख रहे हैं, छोटे बिल्कुल नहीं। ये तो छोटे पेड़ों जैसे लग रहे हैं। ये है ब्रोकली। बहुत बढ़िया पेपा। लिस्ट में आखिरी चीज है संतरे। अजीब बात है, मुझे नहीं लगता मैंने कोई संतरे उगाए हैं। अगर यह संतरे है तो मैं और जॉर्ज उन्हें ढूंढ निकालेंगे। दादाजी, पेपा और जॉर्ज हर तरफ संतरे को ढूंढ रहे हैं। रंग तो सही है लेकिन हम ये चीज नहीं ढूंढ रहे हैं। संतरे होते हैं गोल, लेकिन उन्हें संतरे कहीं भी नहीं मिलते हैं। हमें संतरा मिल गया। ये एकदम सही रंग है और ये गोल भी है, लेकिन ये कद्दू है। संतरे। आपको ये संतरे कहाँ से मिले दादी जी? हम इन्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। सुपरमार्केट से, और क्या। ये लो पेपा। आज पेपा और उसका प्ले ग्रुप अमेरिकन फुटबॉल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये तो बहुत उछलने वाला अंडा है। ये अंडा नहीं, ये फुटबॉल है। नहीं, फुटबॉल्स गोल होती है और आप उसे फेंकते नहीं, किक करते हो। ये अमेरिका की खास फुटबॉल है
अमेरिकन फुटबॉल अंडे के आकार की होती है और आप ज्यादातर उन्हें फेंकते हैं। अजीब गरीब अंडे सी बॉल। अंडे सी बॉल, अंडे सी बॉल, अंडे सी बॉल। पेपा और उसका प्ले ग्रुप आज अमेरिकन फुटबॉल किट वाली ड्रेस पहने हुए हैं। तुम सब अपनी किट में शानदार लग रहे हो, खास करके तुम पेड्रो। हर टीम को चाहिए होता है एक मैस्कॉट। अब तुम खेलने के लिए तैयार हो अमेरिकन फुटबॉल, मेरा मतलब है अंडे जैसा बॉल। अंडे जैसा बॉल। पॉइंट जीतने के लिए अंडे जैसी बॉल को अच्छी तरह कैच करना आना चाहिए। पकड़ लिया। ओ, 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 तुम इस तरह से बॉल को किक करके बड़ा गोल करके भी पॉइंट्स पा सकते हो। पेपा, क्या तुम बॉल को किक करके गोल करना चाहोगी? किक करके आम फुटबॉल की तरह मुझे करना अच्छे से आता है। मुझे नहीं लगता अंडे जैसी बॉल आम फुटबॉल की तरह मजेदार है। सूजी, क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? पेपा ने बॉल कैच कर ली है और उसे मिलता है एक पॉइंट। मैंने कर दिखाया। अमेरिकन फुटबॉल की सबसे बढ़िया बात है, मेरा मतलब है अंडे जैसे बॉल की, कि जब आप पॉइंट स्कोर करते हैं तो आपको डांस करना होता है। पेपा और उसके दोस्तों को अंडे जैसी बॉल पसंद है। सभी को अंडे जैसी बॉल पसंद है। लेकिन शाम है और डैडी पिग क्रिसमस ट्री को कार में रख रहे हैं ताकि इसे घर ले जाकर सजाया जा सके। पेपा मदद कर रही है। पेपा? ओ? हमारे पास सजावट का सारा नया सामान है। चिड़िया। बहुत बढ़िया। चलो अब घर चलते हैं। पेड़ को सजाने के लिए सब बहुत जोश में है। हम क्यों रुक गए डैडी? मुझे नहीं लगता कि हम इस पेड़ के साथ सुरंग में फिट हो पाएंगे। चलो धीरे से जाने की कोशिश करते हैं। अरे नहीं, पेड़ के पत्ते थोड़े गिर रहे हैं। हमें लंबे रास्ते से होकर जाना होगा। कार इतनी उछल क्यों रही है? सड़क पर लगे पेड़ हमारे कार के पेड़ से टकरा रहे हैं। अरे नहीं, शायद ये बिना पेड़ वाली सड़क सही रहेगी। इस सड़क पर कोई पेड़ नहीं है, इसलिए हवा क्रिसमस ट्री को उड़ा रही है। अरे नहीं, मुझे लगता है सारे पत्ते रास्ते में ही गिर गए होंगे। लेकिन हमें क्रिसमस के लिए पेड़ चाहिए। चिड़िया। जॉर्ज ने पेपा को एक आइडिया दिया है। हम अभी भी पेड़ को सजा सकते हैं और इसे क्रिसमस वाला पेड़ बना सकते हैं। ये कितना शानदार आइडिया है पेपा।
पेपा और उसका परिवार अपने नए और खास तरह के क्रिसमस ट्री को सजाने में लग जाते हैं। हुरे, ये प्यारा लग रहा है। इस चिड़िया को भी क्रिसमस ट्री प्यारा लग रहा है। चिड़िया बहुत बढ़िया पेपा, अब चिड़िया भी क्रिसमस मना सकती है। चिड़िया को अपना नया क्रिसमस ट्री बहुत पसंद है। सबको अपना नया क्रिसमस ट्री बहुत पसंद है।